भारत पाक सीमा पर मिली जिंदा एंटी पर्सनल माइन, सेना का बम निरोधक दस्ता करेगा डिफ्यूज। जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर एक जिंदा एंटी पर्सनल माइन्स मिलने से सनसनी फैल गई। सरहदी इलाके के केरला गांव के पास शुक्रवार सुबह एक चरवाहे को नजर आई माइन्स। चरवाहे ने गाँव वालों को जानकारी देकर मौके पर बुलवाया। ग्रामीणों ने BSF को एंटी पर्सनल माइन्स की सूचना दी। मौके पर पहुंची सीमा सुरक्षा बल की टीम ने इसकी पड़ताल की। बताया जा रहा है कि यह माइंस अभी जिंदा है, इसलिए BSF के अधिकारियों ने झिंझियाली पुलिस को इसकी सूचना दी। झिंझियाली थाना प्रभारी हनुमत सिंह ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का फोन आया और उन्होंने जिंदा एंटी पर्सनल माइंस की जानकारी दी। हमने मैजलार पुलिस चौकी वालों को इतला देकर मौके के लिए रवाना कर दिया है और हम खुद भी मौके पर जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हमने भारतीय सेना के कंट्रोल रूम को भी इस बम की जानकारी दे दी है। अब सेना का बम निरोधक दस्ता मौके पर आएगा और वो ही इसे डिफ्यूज करने की कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा किसी युद्ध अभ्यास में जमीन में ही दबी रह गई और अब आंधियों के चलने से रेत उड़ी और वो जमीन से बाहर आ गई।